Hello students, lecture number 5, kinetic theory of gases. Today we'll talk about degree of freedom and law of equipartition of energy. Two small topics, and after that we'll talk about to find the specific heat of gases, that is Cp and Cv. Now in your Maharashtra board ka textbook, okay, they have given in a very short, okay, very short way, okay, if you go through the textbook, you will see वो फॉर्मूला का बेसिक्स क्या है वगैरह, दे हैव नॉट एक्सप्लेन एनीथिंग, बट विल टेक एवरीथिंग इन डिटेल. सो दिस लेक्चर एंड द नेक्स्ट लेक्चर, ठीक है, विल टॉक ईच एंड एवरीथिंग अबाउट सीपी सीवी, लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी एंड डिग्री ऑफ फ्रीडम वगैरह वगैरह. ओके, नाउ सी, इफ यू रिफर डिफरेंट डिफरेंट टेक्स्ट बुक, यू विल फाइंड डिफरेंट डेफिनेशंस फॉर डिग्री ऑफ फ्रीडम एंड सो ऑन. आई विल गिव यू द सिंपलेस्ट डेफिनेशन. डिग्री ऑफ फ्रीडम मतलब ऐसा होता है कि When I say degree of freedom, तो नाम से तुमको ऐसा लगता रहेगा फ्रीडम. पहले हम लोग उसको अपने स्टाइल से समझते, बाद में हम लोग उसको टेक्स्ट बुक की लैंग्वेज से भी समझेंगे. फॉर एग्जाम्पल, लेट से इफ आई हैव अ पेंडुलम ओवर हियर, ठीक है, लेट से दिस इज द पेंडुलम. ओके, अगर ये पेंडुलम को, ठीक है, मैंने यहां से पकड़ के ऐसा छोड़ दिया, ऐसे जाएगा और फिर ऐसे आएगा, ऐसे जाएगा और फिर वो ऐसे आएगा. नाउ ठीक है, अगर मैं इसको यहां से छोड़ूंगा, मतलब बहुत ज्यादा थीटा से छोड़ूंगा, बहुत ज्यादा थीटा से अगर मैं इसको छोड़ता हूं, ठीक है, तो ये क्या करेगा, एक्स में भी चलेगा, बरोबर कि नहीं. तो ये देखो, ये एक्स में भी चलेगा और ये वाई में भी चलेगा. बट मैंने क्या किया, मैंने इसको इतने हाइट से नहीं छोड़ा, मैंने क्या किया, सिर्फ इसको हल्का सा ऐसे टिचकी दिया, बरोबर है, हल्का सा मैंने इसको ऐसा डिस्प्लेसमेंट दिया खाली ऐसे करके. ओके, तो मैं क्या देखता हूँ, ये जो पेंडुलम है, ये क्या करेगा, आगे जाएगा पीछे जाएगा, आगे जाएगा पीछे जाएगा, आगे जाएगा पीछे जाएगा, विच यू ऑलरेडी हैव प्रूव्ड इन ऑसिलेशन कि फॉर अ स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट द मोशन ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इज अ सिंपल हार्मोनिक मोशन करके. ओके, बट वी आर नॉट गेटिंग इन टू दैट. तो मैंने क्या किया, पेंडुलम को हल्का सा ऐसे खाली डिस्प्लेस किया, एंड वॉट वो ऑब्जर्व इज पेंडुलम सिर्फ आगे पीछे ऐसे हो रहा है. अगर मैं अज्यूम करूँ कि इसका ये वाला पोजिशन जीरो है, ओरिजिन है, तो ये समझ लो प्लस वन होगा, ये समझ लो माइनस वन होगा. अब कोई भी टाइम पे मैं अगर तुमको इसका पोजीशन पूछूंगा कि मुझे इसका टाइम टी इज इक्वल टू जीरो पे पोजीशन बताओ, तो तुम क्या बोलोगे, सर जीरो. मैं बोलूंगा टाइम टी इज इक्वल टू 5 सेकंड पे इसका पोजीशन बताओ, तो हो सकता है वो यहाँ पर हो, तो तुम क्या बोलोगे, सर एक्स इज इक्वल टू माइनस वन. समझो टाइम टी इज इक्वल टू 8 सेकंड पे मैं इसका पोजीशन पूछूंगा, तो तुम क्या बोलोगे, एक्स इज इक्वल टू प्लस वन. मतलब कोई भी टाइम पे अगर मैं तुमको इसका पोजीशन पूछूंगा, तो इसका तुमको पोजीशन बताने के लिए कितने पैरामीटर्स लगे, कितने कोऑर्डिनेट्स लगे, सिर्फ एक कोऑर्डिनेट्स लगा, बिकॉज दिस इज मोशन अलॉन्ग वन डायमेंशन, बरोबर है कि नहीं. ये कौन सा मोशन है, सिर्फ वन डायमेंशन वाला मोशन है, फॉर स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, बरोबर है. तो यहां पर इसका, अगर मैं इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम बोलूं, तो क्या हो जाएगा, वो वन हो जाएगा. समझ में आ रहा है. देखो, ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ एक ही तरीके का मोशन कर सकता है अलॉन्ग एक्स ही, ये दोनों तरीके का मोशन कर सकता है, ये अलॉन्ग एक्स भी कर सकता है, अलॉन्ग वाई भी कर सकता है, और इसी को ऐसा उठा के, है ना, अगर मैं ऐसे घुमा दूं हॉरिजॉन्टल प्लेन में, तो ये कोनिकल पेंडुलम बन जाएगा, तो वो थ्री डायमेंशनल भी हो जाता है. बट फिलहाल, है ना, तो ये ऐसा नहीं कि ये मोशन नहीं कर सकता है, ये मोशन अलग अलग तरीके कर सकता है. बट मैंने उसके ऊपर क्या किया, रेस्ट्रिक्शन डाल के रखा हुआ है, मैंने सिर्फ इसको ऐसा रेस्ट्रिक्शन डाला कि ये सिर्फ मोशन एक ही तरीके का कर सकता है, तो इसीलिए इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या हो गया, वन हो गया. तो फिर से आई रिपीट, डिग्री ऑफ फ्रीडम का मतलब क्या होता है कि मैंने उसको कितना फ्रीडम दिया है, कितने तरीके का मोशन करने का, या फिर इसको तुम ऐसा भी बोल सकते हो, नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट्स पैरामीटर्स रिक्वायर्ड टू specify the position of that particular thing at a particular time, तो उसको भी तुम क्या बोलोगे, degree of freedom. Second example ले लो, let's say एक honey bee है, ठीक है, या ant है, बरोबर है, यहाँ पर था, और समझो जब मैंने देखा तब वो यहाँ पर था, at time t is equal to 0, I already explained what do you mean by time t is equal to 0, जब हम लोग देखते हैं ना, it is that time from when you start observing, तो honey bee यहाँ पर था या ant यहाँ पर था, और कुछ time के बाद ant 10 सेकंड पे यहां पर आ गया. एग्जाम्पल, अगर विद रेस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई तुमको इसका पोजीशन पूछूंगा, लेट से दिस इज योर एक्स एक्सिस एंड दिस इज योर वाई एक्सिस, विद रेस्पेक्ट टू ओरिजिन, अगर मैं तुमको पूछूं टाइम टी इज इक्वल टू जीरो पे इसका पोजीशन बताओ, तो तुम क्या बोलोगे, सर एक्स से ये इतना दूर है और वाई से ये इतना दूर है, बरोबर है, तो तुमको यहां पर दो पॉइंट्स लगेंगे,
है ना, दो कोऑर्डिनेट्स लगेंगे, दो पैरामीटर्स लगेंगे इसका पोजीशन बताने के लिए। अगर मैं तुमको पूछूं टाइम t इज इक्वल टू 10 सेकंड पे इसका पोजीशन बताओ, तो तुम बोलोगे सर ये x एक्सिस से इतना दूर है और y एक्सिस से इतना दूर है। तो यहां पर भी तुमको है ना दूसरे दो पैरामीटर्स लगेंगे, बराबर कि नहीं। तो कोई भी टाइम पे अगर तुमको इसका पोजीशन बताना है ये एंट का या हनी बी का, तो ये एंट या हनी बी ये कैसा मोशन कर रहा है, ये मोशन इन अ प्लेन कर रहा है, इट इज मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस आल्सो एंड इट इज मूविंग अलोंग वाई एक्सिस आल्सो, बराबर है। तो ये जो टाइप का मोशन है, अगर मैं पूछूं यहाँ पर ये जो हनी बी है या एंट है वो कितने तरीके का मोशन कर सकता है, या मैंने इसको कितना फ्रीडम दिया है मोशन करने का, तो इसको मैंने सिर्फ एक्स के अलोंग मूव करने का फ्रीडम दिया और वाई के अलोंग मूव करने का। एक्स एक डायमेंशन है, वाई एक डायमेंशन है, तो इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होगा, इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा 2 कर गए। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। दूसरा मैंने डेफिनेशन क्या बोला डिग्री ऑफ फ्रीडम का, एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम तुमको कितने पैरामीटर्स लग रहे हैं, तुमको कितना कोऑर्डिनेट्स लग रहा है कोई भी टाइम पे इसका पोजीशन बताने के लिए। अगर मैं पूछूं टाइम इज इक्वल टू 5 सेकंड पे इसका पोजीशन बताओ, तो तुम क्या बोलोगे 5 सेकंड्स पे इधर किधर होगा, तो तुम बोलोगे सर ये x से इतना दूर है और y से इतना दूर है। तो यहां पर तुमको ठीक है अगेन दो पैरामीटर्स लगेंगे इसका पोजीशन बताने के लिए, अंडरस्टूड। तो अगेन इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हुआ, 3 हुआ। नाउ थर्ड एग्जांपल, थर्ड एग्जांपल लेट्स से अगेन दिस इज अ सेम, ठीक है एक समझ लो फ्लाई है, अंडरस्टूड। और लेट्स से दिस इज 3 डायमेंशनल, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस एंड लेट्स से दिस इज जेड एक्सिस, अंडरस्टूड। अगर है ना वो बी यहां पर था, ठीक है अज्यूम करो कि वो हनी बी जो था या एंट था या फ्लाई था, समझो वो भी वो यहाँ पर है, बरोबर है। तो समझो ये अगर यहाँ पर था और ऐसे चल के ऐसे आ गया, बरोबर है। तो अब ये जो मोशन है ना, ये मोशन कैसा है, ये मोशन इन अ स्पेस है, ये मोशन इन अ लाइन है, ये कैसा है मोशन इन अ प्लेन है, और ये कैसा है मोशन इन अ स्पेस है, बरोबर कि नहीं। लेट मी राइट डाउन दैट ऑल्सो, दिस इज मोशन इन अ लाइन, this is motion in a plane and this is motion in space। अब space जब मैंने बोला तो कोई भी time पे तुमको इसका अगर position बताना है, coordinates बताना है ना, तो तुमको कितने parameters लगेंगे, तुमको 3 parameters लगेंगे। For example let's say this is x axis, okay this is y axis and this is z axis, ऐसे vertical जो this is your z axis, वर्टिकल जो तुम्हारा वाई एक्सिस है, परपेंडिकुलर जो आ रहा है वो तुम्हारा जेड एक्सिस है, और हॉरिजॉन्टल जो जेड एक्सिस है, समझो ये फ्लाई इधर पे था, बराबर है, और यहाँ से यहाँ आ गया। अगर मैं तुमको पूछूं यहाँ पर इसका पोजीशन बताओ, तो तुम क्या बोलोगे यहाँ पर है ना, तो तुम बोलोगे एक्स से इतना दूर है, वाई से इतना दूर है और जेड से इतना दूर है, बराबर है। यहाँ से यहाँ चले गया तो तुम क्या बोलोगे एक्स से इतना दूर है, वाई से इतना दूर है और जेड से इतना दूर है। तो कोई भी टाइम पे अगर तुमको इसका पोजीशन यहाँ पर बताना है, तो तुमको कितने पैरामीटर्स लगेंगे, कितना कोऑर्डिनेट्स लगेगा, यू विल रिक्वायर 3 पैरामीटर्स। तो इसीलिए इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना रहेगा, इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना रहेगा 3 करके, इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम रहेगा 3। या तुम ऐसे भी बोल सकते हो ये फ्लाई को मैंने कितने तरीके का मोशन करने का फ्रीडम दिया है, तो 3 तरीके का है ना, तीन तरीके का मोशन करने का मैंने फ्रीडम दिया। तो आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम का मतलब ऐसा होता है, लेट मी राइट इट डाउन, डिग्री ऑफ फ्रीडम, ठीक है डिग्री ऑफ फ्रीडम का मतलब होता है ठीक है हाउ मच फ्रीडम, हाउ मच फ्रीडम ठीक है आई हैव गिवन ठीक है टू एनीथिंग, उसको हम लोग क्या बोलेंगे डिग्री ऑफ फ्रीडम। या फिर इसका दूसरा जो डेफिनेशन है वो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ पैरामीटर्स, नंबर ऑफ पैरामीटर्स ठीक है कोऑर्डिनेट्स रिक्वायर्ड टू स्पेसिफाई द पोजीशन ऑफ अ बॉडी पार्टिकल एंड सो ऑन। ओके तो सर यहां पर हम लोग डिग्री ऑफ, अच्छा तो मुझे एक चीज बताओ ये फ्रीडम का मतलब क्या होता है। तो देखो फ्रीडम का मतलब मैं ऐसे बोलूंगा, फ्रीडम का मतलब ओके इसका दोनों भी तरीके से मतलब समझो, फ्रीडम मतलब क्या है, इनफैक्ट फ्रीडम का मतलब होता है रेस्ट्रिक्शन, फ्रीडम का मतलब क्या होता है रेस्ट्रिक्शन, या इसको दूसरा हम लोग लैंग्वेज भी यूज कर सकते हैं, वी कॉल इट एज व्हाट रिलेशन। आई गिव एग्जांपल, जैसे समझो तुम दिन भर पढ़ाई कर रहे थे,
तुम 4-5 घंटा तुमने पढ़ाई कर ली, ठीक है, एंड नाउ यू आर यू नो फीलिंग लाइक यू नो टू गो एंड प्ले पबजी ऑन योर सेलफोन या है ना कुछ वीडियो गेम खेलना है, तो तुम मम्मी को जाके बोलोगे अब मम्मी मैंने 5-6 घंटा पढ़ लिया, अब मुझे है ना पबजी थोड़ा खेलने दो, तो मम्मी क्या बोलेगी, मम्मी बोलेगी ठीक है बेटा जा खेल ले, बट पबजी सिर्फ 1 घंटा खेलना। तो तुमको क्या लगता है, मम्मी ने तुमको जो पबजी खेलने का जो ठीक है अलाउ किया है वो तुमको फ्रीडम दिया है, 1 घंटा खेलने का फ्रीडम दिया है? नहीं, उल्टा उसको ऐसे सोचो कि मम्मी ने सिर्फ 1 ही घंटा बोला है, बरोबर कि नहीं? अगर ये 1 घंटे वाला रिलेशन, 1 घंटे वाला रिलेशन तुम मम्मी के साथ मेंटेन नहीं करोगे, ये जो रेस्ट्रिक्शन मम्मी ने जो तुम पे डाला हुआ है रेस्ट्रिक्शन का तुम मेंटेन नहीं करोगे, तो कल को तुमको पबजी खेलने नहीं मिलेगा, बरोबर कि नहीं? सो आर यू गेटिंग कि रेस्ट्रिक्शन बोलो रिलेशन बोलो और उसका मीनिंग क्या होता है, फ्रीडम ही होता है। तो सर इसका काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस से क्या लेना देना? तो पहले हम लोग इन जनरल मीनिंग समझ लेते हैं इसका, इन जनरल, बरोबर ही नहीं? तो डिग्री ऑफ फ्रीडम का मतलब ऐसा होता है कि डिग्री मतलब क्या नंबर है, कितने तरीके के रेस्ट्रिक्शन होते हैं, जैसे है ना मॉम डैड हमको हमेशा बोलते हैं कि जैसे कि तुमको है ना बेटों को बोल देंगे बेटा जा तेरे को जहाँ जो जो करना है कर ले, है ना, तू अगर सुबह 7 बजे घर से निकल गया ठीक है निकल जा, लेकिन मुझे शाम के 8 बजे तक घर पे चाहिए, मतलब चाहिए, अंडरस्टैंडिंग? सो दैट इज नथिंग बट रेस्ट्रिक्शन, ये एक रेस्ट्रिक्शन होता है, और भी बहुत सारे रेस्ट्रिक्शन जैसे मॉम डैड कभी कभी रखते हैं अपने ऊपर। तो सिमिलरली वैसे ही तो डिग्री ऑफ फ्रीडम का जनरल मीनिंग ये होता है। अब इसको हम लोग अप्लाई करेंगे काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में। तो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस की अगर मैं बात करूं तो हम लोग ने गैसेस का सबसे पहला चीज क्या बोला था कि गैसेस बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल के बने होते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं मॉलिक्यूल्स। हम लोग ने एक अजम्पशन और बोला था कि मॉलिक्यूल जो होता है वो डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में मूव करता रहता है विद डिफरेंट डिफरेंट वेलोसिटी, बरोबर कि नहीं? मतलब गैस के मॉलिक्यूल के पास क्या होता है, कुछ ना कुछ मास होता है, गैस के मॉलिक्यूल के पास कुछ ना कुछ वेलोसिटी होती है, मतलब उसके पास मास है उसके पास वेलोसिटी, मतलब उसके पास क्या है, काइनेटिक एनर्जी है, और काइनेटिक एनर्जी है बिकॉज ऑफ काइनेटिक एनर्जी वो लोग है ना उसके पास वेलोसिटी है, मतलब वो मोशन कर रहा है। तो आई वॉन्ट टू अंडरस्टैंड कि गैस का जो मॉलिक्यूल होता है बरोबर है उसको कितने तरीके का मोशन करने का फ्रीडम होता है, समझा मैंने क्या बोला? हम लोग यहाँ पर क्या समझने को देख रहे हैं कि गैस का डिपेंडिंग अपॉन वो मोनोएटॉमिक गैस है कि डायएटॉमिक गैस है कि ट्राईएटॉमिक गैस है कि पॉलीएटॉमिक गैस है, बरोबर? इन योर सिलेबस यू हैव टिल मोनो एंड डाई, ट्राई भी है बट दे डोंट आस्क इन एग्जामिनेशन ट्राई एंड पॉली, वो जस्ट सिर्फ नाम के लिए सिर्फ इंट्रोडक्शन है, दैट्स इट। तो फिर से हम लोग को यहाँ पर डिग्री ऑफ फ्रीडम काइनेटिक थ्योरी में डिग्री ऑफ फ्रीडम का क्या मीनिंग है, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में डिग्री ऑफ फ्रीडम का ऐसा मतलब है कि कोई भी गैस का मॉलिक्यूल के पास मास होता है, वेलोसिटी होता है, वेलोसिटी होता है मतलब इसका मतलब वो मूव कर रहा है मतलब वो मोशन में है, तो गैस का एक मॉलिक्यूल को कितने तरीके का मोशन करने का फ्रीडम होता है, वो कितने तरीके का मोशन कर सकता है और कैसे टाइप के मोशन कर सकता है, ओके? तो ये समझने के लिए ठीक है एक फॉर्मूला, ठीक है हम लोग ने फॉर्मूला बना के रखा हुआ है कि डिग्री ऑफ फ्रीडम अगर मुझे निकालना है तो उसके लिए फॉर्मूला होता है 3a - r करके, कि कौन सा फॉर्मूला 3a - r, उसमें a होता है नंबर ऑफ एटम्स, ठीक है, और r होता है वो रेस्ट्रिक्शन बोलो या रिलेशन बोलो, ठीक है। फिलहाल ये फॉर्मूला जैसे बोल रहा हूँ वैसे समझ लो, ठीक है, इसको जब भी अप्लाई करेंगे तो यू विल अंडरस्टैंड इन डिटेल। सो नाउ वी विल ट्राई टू फाइंड आउट द डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर मोनोएटॉमिक गैस, ठीक है, डायएटॉमिक गैस एंड ट्राईएटॉमिक गैस। तो लेट मी इरेज दिस पार्ट नाउ। डेफिनेशंस इन जनरल याद रखना, ओके, ये तुम्हारे महाराष्ट्र टेक्स्ट बुक में नहीं दिया हुआ है, ठीक है, बट यू विल फाइंड इट इन द सीबीएसई एनसीईआरटी का बुक्स वगैरह में। तो मैंने फॉर्मूला क्या बोला है, फॉर्मूला मैंने कुछ ऐसा बोला था कि लेट मी राइट इट डाउन, डिग्री ऑफ फ्रीडम करने, डिग्री ऑफ फ्रीडम का मतलब क्या होता है, हाउ मच फ्रीडम आई हैव गिवन टू एनीथिंग। तो यहां पर मैं ऐसे बोलूंगा कि एक मॉलिक्यूल को, ठीक है ना, कितने तरीके का मोशन करने का फ्रीडम होता है ये मैं कैसे निकालूंगा, बरोबर, क्योंकि मुझे मॉलिक्यूल तो दिखता नहीं है, है ना। तो इसके लिए हम लोग ने एक फॉर्मूला बनाया, दैट इज 3a - r करके, एंड उसमें a क्या होता है, उसमें a होता है नंबर ऑफ एटम्स करके, a क्या होता है नंबर ऑफ एटम्स डिपेंडिंग अपॉन वो गैस मोनो है डाई है कि ट्राई है, बरोबर है, उसका एक मॉलिक्यूल कितने एटम से बना हुआ है, एंड r मतलब क्या होता है, रेस्ट्रिक्शन बोलो या रिलेशन बोलो, रेस्ट्रिक्शन
या रिलेशन, कितने रिलेशन उसको मेंटेन करने पड़ेंगे, कितने रेस्ट्रिक्शन उसके ऊपर है। ओके, तो बात करते हैं मोनो एटॉमिक गैस की, मोनो एटॉमिक गैस की, देन विल टॉक अबाउट डायटॉमिक गैस, देन विल टॉक अबाउट ट्राईएटॉमिक गैस, इसमें विल टॉक अबाउट लीनियर ऑल्सो एंड नॉन लीनियर ऑल्सो, उसके बाद में पॉलीएटॉमिक गैस, बराबर है। तो यहां पर अगर मैं मोनोएटॉमिक गैस की बात करूं तो मोनोएटॉमिक गैस का एक मॉलिक्यूल, मोनोएटॉमिक गैस का एक मॉलिक्यूल कितने एटम से बना होता है, वो बना होता है एक एटम से। अगर डायटॉमिक की बात करूं तो डायटॉमिक गैस का एक मॉलिक्यूल कितने एटम से बना होता है, वो दो एटम से बना होता है, बरोबर। और अगर मैं ट्राईएटॉमिक गैस की बात करूंगा तो उसका एक मॉलिक्यूल कितने एटम से बना होता है, तीन एटम से बना होता है। अगर मैं एग्जाम्पल्स की बात करूं तो यहां पर एग्जाम्पल क्या आ जाएगा, एग्जाम्पल आ जाएगा हीलियम, नियॉन, आर्गन। यहां पर अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं तो H2, O2, N2 एक्सेट्रा। यहां पर अगर मैं बात करूं ट्राईएटॉमिक गैस की तो SO2, ठीक है, दोनों भी एग्जाम्पल एक एक ले लेते हैं, H2O भी ले लेते हैं, ये है नॉन, ये जो SO2 है, ठीक है, वो हमारा कौन सा एग्जाम्पल है, SO2 मैं ऐसे बोलूंगा, ये हमारा लीनियर है, लीनियर, और ये हमारा नॉन लीनियर। अभी लीनियर क्या है, नॉन लीनियर क्या है, विल सी। तो मोनोएटॉमिक गैस मतलब गैस किसके बने होते हैं, बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल को, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूल्स। और मोनोएटॉमिक गैस का एक मॉलिक्यूल एक एटम से बना होता है। तो मोनोएटॉमिक गैस का जो एक मॉलिक्यूल जो एक एटम का बना होता है, उसको कितने तरीके का मोशन करने का फ्रीडम होता है। आई एम इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग आउट द डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर मोनोएटॉमिक गैस। आई एम इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग आउट कि अ मॉलिक्यूल ऑफ मोनोएटॉमिक गैस हाउ मच मोशन है ना, हाउ मच फ्रीडम इट हैज बीन गिवन टू, ठीक है, टू परफॉर्म द मोशन। तो हम लोग ये फॉर्मूला यूज करेंगे, दैट इज डिग्री ऑफ फ्रीडम इज इक्वल टू 3a - r। अगर मैं बात करूंगा तो यहाँ पर एक ही एटम होता है तो 3 × 1, और एक एटम होता है वो किसी से कुछ अटैच नहीं होता, उसको कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होता है, कोई है ना बाउंड्रीज नहीं होती है, बरोबर है, कोई बाउंडेशन नहीं होता है। तो रिलेशन यहाँ पर जीरो होता है, ये रिलेशन यहाँ पर जीरो के, इसका ज्यादा अच्छे से मतलब यहाँ समझेगा व्हेन वी टॉक अबाउट डाई एंड ट्राई। तो फिलहाल मैं बोलूंगा कि इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना है, 3 है। अब डिग्री ऑफ फ्रीडम इसका 3 आया, इसका मतलब आपको क्या समझे, इसका मतलब मोनोएटॉमिक गैस का एक मॉलिक्यूल कितने तरीके का मोशन कर सकता है। लेट्स से दिस इज योर एक्स एक्सिस, दिस इज योर वाई एक्सिस एंड दिस इज योर जेड एक्सिस। क्या बोला मैंने, दिस इज योर एक्स एक्सिस, दिस इज योर वाई एक्सिस एंड दिस इज योर जेड एक्सिस। तो मोनोएटॉमिक गैस का एक मॉलिक्यूल वो एक्स में भी मूव कर सकता है, वो वाई में भी मूव कर सकता है, और वो जेड में भी मूव कर सकता है, बरोबर है। तो ये जो मोशन है, दिस इज नोन एज लीनियर मोशन या ट्रांसलेशनल मोशन, बरोबर है कि नहीं। तो यहाँ पर ये कौन से टाइप के मोशन करता है, ये मोशन करता है ट्रांसलेशनल, ठीक है। अभी कभी कभी ऐसा डाउट भी आता है स्टूडेंट्स को कि सर वो स्पिन नहीं करेगा क्या, स्पिन भी तो एक टाइप का मोशन है, करेगा ऐसा नहीं है, बट वो मॉलिक्यूल इतना छोटा सा है और वो जगह पे स्पिन करेगा, और कोई भी चीज अगर स्पिन करेगी मतलब वो कौन सा मोशन करेगी, रोटेशनल मोशन कर रही है, और रोटेशनल मोशन कोई भी अगर चीज करेगी तो उसके पास क्या होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला क्या होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला होगा mr². नाउ लेट्स अगर वो ऐसे घूम रहा है तो उसका रेडियस क्या होगा, बहुत ही छोटा होगा, और छोटी चीज का स्क्वायर बराबर ना mr², छोटी चीज का स्क्वायर और छोटा होगा। तो रोटेशनल की वजह से जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है ना, जो रोटेशनल इनर्शिया होगा वो बहुत ही छोटा आएगा, इसलिए काइनेटिक एनर्जी भी क्या आएगी, उसकी वजह से बहुत ही छोटी आएगी, तो उसको हम थोड़ा सा निग्लेक्ट कर देते हैं। तो मैंने क्या बोला, डिग्री ऑफ फ्रीडम बरोबर है कि नहीं। एक मोनोएटॉमिक गैस का एक मॉलिक्यूल कितने तरीके का मोशन कर सकता है, 3 तरीके का मोशन कर सकता है, अलोंग एक्स, अलोंग वाई और अलोंग जेड करके। तो इसीलिए टेक्स्ट बुक में ऐसा दिया, अगर वो एक्स के अलोंग मोशन करेगा तो उसके पास मास है, उसके पास वेलोसिटी है, तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, ½ mv², अगर उसके पास मास है ना, उसके पास वेलोसिटी है, वाई के अलोंग भी मूव कर सकता है, उसके पास मास है, उसके पास वेलोसिटी है, वो जेड के अलोंग भी मूव कर सकता है, बरोबर है कि नहीं। तो ये 3 तरीके का
तीन तरीके का वो मोशन कर सकता है, अलोंग एक्स, अलोंग वाई एंड अलोंग जेड करके। ये तीनों क्या है उसकी ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। वी विल टॉक अबाउट दिस, ठीक है, ये काइनेटिक एनर्जी वगैरह क्या है, बट फिलहाल खाली इतना समझो कि ये कितने तरीके का मोशन कर सकता है, ये तीन तरीके का मोशन कर सकता है। नाउ कमिंग बैक टू दिस S2 बरोबर है। यहां पर अगर मैं इसका स्ट्रक्चर बनाने जाऊंगा तो ऐसा कुछ बरोबर है, दो एस दो है ना, सल्फर के आइटम या ऑक्सीजन के आइटम या नाइट्रोजन के आइटम, और बीच में एक बॉन्ड हो जाता है। अब ठीक है, आई एम नॉट गेटिंग इनटू द बॉन्ड कि वो बॉन्ड कैसा टाइप का है, क्या है ये, लेंथ क्या है वगैरह वगैरह, जस्ट अ रिप्रेजेंटेशन कि यहाँ पर एक एटम होता है, यहाँ पर एक एटम होता है और बीच में उसका बॉन्ड होता है। अब यहाँ पर बरोबर, यहाँ पर अगर मैं डायटोमिक गैस का एक मॉलिक्यूल जो दो एटम का बना होता है उसको कितने तरीके का मोशन करने का फ्रीडम होता है, तो अगर मैं यहाँ पर डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालने जाऊंगा तो डिग्री ऑफ फ्रीडम को कैसे निकालते हैं, 3a-r। यहाँ पर अगर मैं एटम्स की बात करूंगा तो यहाँ पर कितने एटम्स है, दो एटम्स है। अब एक चीज समझो, यहाँ पर ये जो सल्फर वाला आइटम है ना वो इसको छोड़ के नहीं जा सकता, अगर यहाँ पर मूव करेगा तो इसको साथ में जाना ही पड़ेगा, बरोबर कि नहीं, अंडरस्टूड। अगर ये रिलेशन तोड़ देगा तो S2 रहेगा नहीं, बरोबर है। तो यहाँ पर इन दोनों के बीच में कितना रिस्ट्रिक्शन है, कितना कितने रिलेशन है, एक रिलेशन है, तो मैं यहाँ पर बोलूंगा 1 करके। तो ये कितना हो जाएगा, 3 × 6 − 1 दैट इज 5। अब यहाँ पर ये चीज समझो कि ये 5 का मतलब क्या हुआ, डायटोमिक गैस का एक मॉलिक्यूल कितने तरीके का मोशन कर सकता है, 5 तरीके का मोशन कर सकता है। अब समझो ये चीज कैसा है ना, ये एक है ना जिम में हम लोग जो यूज करते हैं डंबल्स वगैरह से ना, सिमिलरली उसकी तरह लग रहा है। तो इमेजिन करो यहाँ पर एक सल्फर आइटम है, यहाँ पर एक सल्फर आइटम है और ये उसका बॉन्ड है। अब ये जो है फिर से 3 है ना, ऐसे x के अलोंग मूव कर सकता है, बरोबर है, ऐसे y के अलोंग मूव कर सकता है, ऐसे z के अलोंग मूव कर सकता है। तो ये 3 ट्रांसलेशनल मोशन हो गए उसके इसकी तरह ही, और जो 2 एडिशनल मोशन है वो कैसे कर सकता है, बरोबर है, ये वो y के एक्सिस भी घूम सकता है ऐसा, बरोबर है कि नहीं, अंडरस्टूड। और ये जो एक्सिस है परपेंडिकुलर z एक्सिस, ये z के एक्सिस भी ऐसा घूम सकता है, अंडरस्टूड। तो इसका समझा, इसके पास ठीक है 3 ट्रांसलेशनल मोशन कर सकता है और 2 रोटेशनल मोशन कर सकता है। तो ट्रांसलेशनल मोशन करने की वजह से इसके पास कितनी एनर्जी होगी, तो वही सेम ½mvx² + ½mvy² + ½mvz² ये हो गया, और प्लस इसके पास 2 रोटेशनल एनर्जी भी होती है। और काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ रोटेटिंग बॉडी कितना होता है, ½i ω², तो मैं यहाँ पर लिखूंगा ½i, बरोबर है, y के ऊपर घूम रहा था तो मैं बोलूंगा y है ना y ओमेगा y स्क्वायर, और z के ऊपर घूम सकता है तो ½i ω z² तो ये टोटल काइनेटिक एनर्जी होती है किसकी, एक मॉलिक्यूल की, किस लेकिन कौन से एटम, कौन से गैस की, डायटोमिक गैस की, ओके। और लास्ट में अभी तुमको यहाँ पर अगेन डाउट आ सकता है कि सर आपने बोला कि ये जो x एक्सिस है, ये जो y एक्सिस है और ये z एक्सिस है, ये y के अलोंग मूव करेगा, ठीक है, वर्टिकल एक्सिस के ऊपर मूव कर सकता है, बरोबर है, ये परपेंडिकुलर एक्सिस के ऊपर भी मूव करेगा, सर ये x के ऊपर मूव नहीं करेगा क्या, ना एक चीज समझो, जब ये z के ऊपर ऐसा घूमता है, बरोबर है, तो देखो ये इतना रेडियस है, बरोबर है, अंडरस्टैंडिंग, जब ये घूमता है तो इतना रेडियस है, mr², रेडियस अच्छा खासा साइज है, अच्छा खासा उस है ना उसका रेडियस है। अगर वो y के ऊपर घूमेगा तो देखो ऐसे घूमेगा, तो रेडियस अच्छा खासा है, बरोबर है, दिस मच। बट अगर x के ऊपर घूमेगा तो उसका रेडियस कितना है, बरोबर है, तो उसका रेडियस बहुत ही नेग्लिजिबल है। तो इसलिए ये जो मोशन होता है अबाउट x, उसको हम लोग निगलेक्ट कर देते हैं, और वैसे भी हमको वो इतना विजिबल भी नहीं होता है ना। अगर मैं जैसे कि बोलूँ ये एक मार्कर है और ये ऐसे मूव कर रहा है अलॉन्ग x, तो इट इज है ना डिफिकल्ट टू मेक आउट कि ये मूव कर रहा है ना, मोशन कर रहा है अलॉन्ग x-एक्सिस। बट अगर मैं ऐसे बताऊंगा तो एकदम क्लियरली दिखता है, बरोबर कि ऐसे बताऊंगा तो एकदम क्लियरली दिखता है। ओके, नाउ कमिंग बैक टू द ट्राइटोमिक गैस, पहले बात करते हैं SO2 की। SO2 मतलब क्या हो जाएगा, SO2 मतलब अगर मैं बनाने जाऊंगा तो दिस इज S, यहाँ पर एक O है ना, और यहाँ पर एक O, बरोबर। तो ये कौन सा आइटम हो गया, ये हो गया लीनियर आइटम या लीनियर मॉलिक्यूल, ठीक है, दिस इज लीनियर मॉलिक्यूल अगेन, ठीक है। सिर्फ मैंने जस्ट उसका रिप्रेजेंटेशन किया है कि एक आइटम इधर और बीच में सल्फर का आइटम और ये उसके दोनों बॉन्ड होते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं पूछूंगा कि डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होगा, तो दैट इज 3a
माइनस आर करके, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा 3, और ये कितना है यहाँ पर 3 माइनस आर, तो यहाँ पर इसको इसके साथ भी रिलेशन ये मेंटेन करना है, इसको इसके साथ भी ये बॉन्ड या डिस्टेंस या बॉन्ड मेंटेन करना है, बरोबर है। वैसे इसके साथ मेंटेन करना है, और इसकी बात करूंगा तो इसको इन दोनों के साथ रिलेशन मेंटेन करना है। तो कोई भी टाइम पे कितने रेस्ट्रिक्शन है यहाँ पर, दो रेस्ट्रिक्शन है, दो रिलेशन है, तो दैट इज 3 3 9 माइनस 2 दैट इज 7। तो यहाँ पर ये 7 डिग्री ऑफ फ्रीडम कौन सी होगी, तो अगेन तीन तो ट्रांसलेशनल हो जाएगी, बरोबर है, 3 ट्रांसलेशनल, 2 रोटेशन, और बाकी जो बचेगी अंडरशूट वो हम लोग क्या बोलेंगे, वो होगा उसका वाइब्रेटरी, वो ऐसे ऐसे वाइब्रेट भी कर सकते हैं, अंडरशूट। और ये था लीनियर के लिए। और दूसरा अगर मैं नॉन लीनियर की बात करूँगा, नॉन लीनियर, तो नॉन लीनियर मॉलिक्यूल जो होता है दैट इज H2O। अगर H2O की बात करूँगा तो यहाँ पर O हो गया, फिर ये H हो गया, फिर ये H हो गया, बरोबर है। तो यहाँ पर अगर मैं पूछूंगा कि नॉन लीनियर जो मॉलिक्यूल होता है उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होगा, तो उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम लोग कैसे निकालेंगे, सेम फॉर्मूले से 3A - R। यहाँ पर कितने आइटम्स है, 3 आइटम्स है। रिलेशन की मैं बात करूंगा तो देखो यहाँ पर इन दोनों के बीच में एक रिलेशन है, इन दोनों के बीच में एक रिलेशन है, O जो है O उसको ये डिस्टेंस मेंटेन करना पड़ता है, ये डिस्टेंस मेंटेन करना पड़ता है, विच इज 90 समथिंग कुछ आएगा। और ये जो H और H है उसको भी उन दोनों को भी अपना बीच में एक डिस्टेंस मेंटेन करना पड़ता है, ये एंगल जो होता है, ठीक है, दैट दे हैव टू मेंटेन। तो टोटल यहाँ पर कितने रेस्ट्रिक्शन आ गए, तो टोटल यहाँ पर रेस्ट्रिक्शन आ गए 3, एक ये वाला और एक ये वाला। तो यहाँ पर कितना हो जाता है, दिस इज अगेन 3 3 9 और 6, तो दैट इज 6। ओके, बट एग्जाम में ट्राई नहीं पूछते यूजली, ठीक है, एग्जाम में मोस्टली दे गो फॉर व्हाट, दे गो फॉर, ठीक है, मोनो एंड डाई। और लास्ट में अगर मैं बात करूंगा तो जैसे पॉली की मैं बात कर लूँ, पॉली मतलब मोर देन 3, तो वो क्या होगा, तो अगर मैं पॉली की बात करूंगा तो पॉली का एक मॉलिक्यूल कितने एटम से बना रहेगा, इट इज मोर देन 3। तो मैं ऐसे बोलूंगा पॉली एटॉमिक गैस, तो जैसे कि मोर देन 3 मतलब SO3, है ना, एंड सो ऑन। तो जैसे कि मैं यहां पर बोलूंगा ये S, फिर ये O, फिर यहां पर O,